गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डंटीज। क्लियर है? इसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर हम बेसिक देखें इसका, तो उसमें क्या है, आपको मान लो मल्टीप्लाई करना है 7p को 8q से, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 8 इंटू में पी इंटू में क्यू, कितना आ जाएगा 56pq। अब अगर ऐसा हो 7pq इंटू में 8q² p, अगर इसको आपको प्रोडक्ट करना है तो 7 × 8 इंटू में पी क्यू इंटू में क्यू स्क्वेयर पी, 8 × 7 = 56। यहाँ पे देखिए पी की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे भी, तो p का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, q^3। यहाँ पे क्या है, देखो बेस सेम है, p p, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं जब आप प्रोडक्ट करते हो। अगर यही चीज आप डिवीजन में लोगे, लाइक पी क्यू को आपको डिवाइड करना है q^2 p से, तब आपके पास पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये आपको आगे बताऊंगी। अभी प्रोडक्ट का केस डिस्कस हो रहा है आपके पास, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी की पावर 1, पी की पावर 1, तो पी का स्क्वायर, क्यू की पावर 1, क्यू की पावर 2, क्यू का क्यू। क्लियर है? ये आपके पास बेसिक है, इसी बेस पे आज हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज 9.2 का एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। क्लियर है? फर्स्ट क्या उसमें 4, 7p, सेकेंड है आपके पास −4p, 7p, थर्ड आपके पास क्या है −4p, 7pq, फोर्थ क्या है आपके पास 4pq −3p। देखिए आपको इन मोनोमियल्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। देखो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्या है 4 × 7p, तो 4 × 7, इंटू में क्या है p, 7 × 4 = 28p। क्लियर है? फर्स्ट वेरी सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक है, बेसिक से उठा रहे हैं। सेकंड में देखिए क्या है, −4p × 7p, देखो −4 × 7 इंटू में क्या आएगा पी इंटू में पी, तो 7 × 4 = −28, पी की पावर 1, पी की पावर 1, पी का क्या बन जाएगा स्क्वायर। थर्ड देखिए −4p × 7pq, −4 × 7 इंटू में क्या है पी इंटू में पी क्यू, अगेन 7 × 4 = 28, पी की पार देखो यहाँ पे 1, पी की पार यहाँ पे 1, तो पी का स्क्वायर इंटू में क्यू। फोर्थ देखिए 4pq − 3p, अगेन कॉन्स्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे 4 × −3 × p³ × p, 4 × 3 = 12 विथ नेगेटिव साइन, p की पावर 3, p की पावर 1, तो p^4। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स, सिंपल था। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन ले रही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ रिक्टेंगल। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ rectangle with following pair
एनिमल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ, एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर है? फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास पी कोमा क्यू, सेकंड है आपके पास 10m, 5n, थर्ड गिवन है आपके पास 20x³, 5y², फोर्थ है हमारे पास 4x, 3x² एंड लास्ट वन इज योर 3mn, 4np। यू हैव टू फाइंड द एरिया। अब हमें पता है एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपके पास पहले क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, देन आपको क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम जैसे ऊपर किया है। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसको रब करके सॉल्यूशन में ऊपर कर रही हूँ। देखिए सेकंड का सॉल्यूशन ठीक है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन एरिया ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, विच इज इक्वल टू पी क्यू है फर्स्ट में, पी इनटू क्यू दैट इज इक्वल टू पी क्यू फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए देखिए एरिया ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू, देखिए क्या है, 10m × 5n। क्या करोगे, कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे × m × n, क्या आएगा 10 × 5 = 50 mn। थर्ड अगेन एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या है हमारे पास, दैट इज लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ कितनी है 20x³ × में क्या है 5y², विच इज इक्वल टू 20 × 5 × में x³ y² विच इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 दैट इज 100 x³ y², क्योंकि x वाली और कोई टर्म है ही नहीं। नेक्स्ट लास्ट वन क्या है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जेम पे कर रही हूं मैं। फोर्थ क्या है, एरिया ऑफ रिक्टेंगल अगेन दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब टर्म क्या है, 4x × 3x² कॉन्स्टेंट टर्म को 4 × 3 × x² फोर्थ इज अ 12 x³ × 1 x² क्या आ जाएगा x³ पावर एड अप हो गई। लास्ट वन क्या है, फिफ्थ पार्ट देखिए, इसको रब करके कर रही हूं मैं फिफ्थ पार्ट यहीं पे। देखिए फिफ्थ पार्ट की मुझे ओनली स्टेटमेंट चाहिए हमें, बाकी मैंने रब कर दिया। फिफ्थ क्या है, अगेन एरिया ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू कितने है 3mn × में 4np विच इज इक्वल टू 3 × 4 mn × np विच इज इक्वल टू 4 × 3 = 12 m सिंगल है तो m n² p। क्लियर है ये, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रिक्टेंगल, फॉर्मूला अप्लाई किया है सिंपल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसकी काफी सिंपल है आपके पास ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज भी सिंपल थी, उसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था हम लोगों ने और उसमें टर्म्स देखी थी, देन हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, हमने एक क्लासिफिकेशन की थी व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल एंड व्हाट इज पॉलीनोमियल। नेक्स्ट देखिए आपको एक टेबल कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, कंप्लीट द टेबल, आपको एक टेबल गिवन है। अब उसमें देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट मोनोमियल
फिर आपके पास है सेकंड मोनोमियल, इसमें आपके पास है मोनोमियल में 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई 7x स्क्वायर वाई। इस साइड क्या गिवन है, देखिए आपको फर्स्ट मोनोमियल में 2x, नेक्स्ट है आपके पास माइनस 5y, नेक्स्ट है आपके पास 3x स्क्वायर, नेक्स्ट है आपके पास माइनस 4xy, नेक्स्ट है आपके पास 7x स्क्वायर वाई एंड लास्ट वन इज माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। करना आपको प्रोडक्ट ही फाइंड आउट है, बस अब क्या है हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दे रखा है अब, और इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। देखिए अब क्या होगा, फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकंड मोनोमियल आपको हर किसी में रो में कॉलम में ये फिलअप्स करनी है, ठीक है। देखिए 2 2 4 एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर, अगेन माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10 इंटू में वाई एक्स, अगेन 3 2 6 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 एक्स क्यूब, माइनस 4 इंटू 2 दैट इज माइनस 8 एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर वाई, 7 2 14 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 एक्स क्यूब इंटू में वाई, नेक्स्ट माइनस 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10 एक्स इंटू में वाई, नेक्स्ट माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस क्या बन जाता है प्रोडक्ट करने पे, प्लस 5 5 25 यहां पे वाई यहां पे वाई वाई का स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 3 माइनस का आएगा 5 3 15 वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस माइनस अगेन प्लस 5 4 20 एक्स एज इट इज वाई इंटू में वाई दैट इज वाई स्क्वायर, अगेन नेगेटिव साइन है वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का आएगा 5 7 35 एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई है यहाँ पे वहां पे वाई वाई का स्क्वायर, नेक्स्ट देखिए 3 2 6 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 एक्स का क्यूब, माइनस 5 इंटू 3 माइनस का आएगा 5 3 15 वाई एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर कितनी बन जाएगी 4 3 3 9, नेक्स्ट माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 एक्स एक्स स्क्वायर क्या बनेगा एक्स क्यूब इंटू में वाई, 7 3 21 एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 वाई, नेक्स्ट माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, माइनस माइनस अगेन प्लस 5 4 20 वाई है वाई है दैट इज वाई स्क्वायर इंटू में एक्स है, अगेन 3 - 4 दैट इज -12 यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर एक्स एक्स का क्यूब इंटू में वाई, अगेन -4 - 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 एक्स 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 रेज टू पावर 2 वाई 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 स्क्वायर, अगेन 7 4 -28 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब y into y that is y square, again देखिए 7 2 14 x की पावर 3 y, again देखिए -5 × 7 that is -35 x square y square, 7 3 21 x raised to power 4 y, -4 × 7 that is -28 x raised to power 3 y का square, नेक्स्ट 7 7 49 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 वाई इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर, अगेन -9 × 2 - 18 एक्स की पावर देखिए 1 एक्स की पावर 2 3 तो वाई का स्क्वायर एज इट इज, नेक्स्ट -5 - 9 माइनस माइनस प्लस 9 5 45 सॉरी 9 5 45 एक्स की पावर
इसमें एक्स एनी तो एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2, वाई की पावर 1, वाई क्यूब। नेक्स्ट देखिए माइनस 9 इंटू 3 दैट इज माइनस 27, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 4 माइनस 9 36, माइनस माइनस प्लस, 9 फोर जा 36, एक्स का स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई, वाई का क्यूब। नेक्स्ट 9 सेवन जा 63 विद नेगेटिव साइन, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4, वाई स्क्वायर इंटू वाई दैट इज वाई क्यूब। क्लियर है कि आपको ये टेबल कैसे कंप्लीट करना है? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं है इसमें, प्रोडक्ट की हुई है आपके पास, बेस सेम है तो पावर्स को एड अप कर देना है, अदरवाइज आपको एज इट इज लिख देना है उसको। नेक्स्ट अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल। फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल। ठीक है, लेंथ विद लेंथ कोमा ब्रेथ एंड हाइट, ये आपको तीनों चीजें गिवन है रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 5a, 3a² , 7a^4। सेकंड है 2p, 4q, 8r। थर्ड है आपके पास xy, 2x² y, 2xy²। फोर्थ है आपके पास a, 2b, 3c। क्लियर है? वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। अब हम बोलता है जो वॉल्यूम होता है किसी भी रिक्टेंगल का वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मे हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन हेयर फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मे हाइट। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 5a, 3a² इंटू मे हाइट। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है कि सीक्वेंस में दे रखी है आपको, तो 5 × 3 × 7, a² × a^4, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। a की पावर कितनी आ जाएगी 4, 6, 7, ए 7 क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर है? जो पहले एरिया किया था वहां पे जो यूनिट आएंगे वे स्क्वायर मीटर आएंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स। सेकंड देखिए, अगेन आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2p × 4q × 8r, क्या आ जाएगा 2 × 4 × 8, p × q × r, 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 64, pqr क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट क्या है थर्ड आपके पास, वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, xy × 2x² y × 2xy² इट कम्स आउट टू बी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 है 2 × 2 × 2 × xy × x² y × xy² कितना बनेगा 2 × 2 = 4, x की पावर 1 2 1, x की पावर बन गई 4, y की पावर कितनी बन गई 1 1 2, y की भी 4 विजिबल है जो मैंने नीचे लिखा है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें
इसी को रब कर लेते हैं, इधर विजिबिलिटी नहीं होगी। इतने क्यूबिक यूनिट्स हैं, यूनिट लिखने कंपलसरी है यहाँ पे, इतने क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ में, फोर्थ देखिए वॉल्यूम ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू टू बी इंटू थ्री सी, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू में क्या आएगा ए इंटू बी इंटू सी, थ्री टू जा सिक्स ए बी सी। क्लियर है, इतने क्यूबिक यूनिट्स। अब आपको ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट है आपके पास एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, सेकेंड है आपके पास ए कोमा माइनस ए स्क्वेयर ए क्यू, थर्ड है हमारे पास टू कोमा फोर वाई कोमा एट वाई स्क्वेयर कोमा सिक्सटीन वाई क्यूब, फोर्थ है आपके पास ए कोमा टू बी कोमा थ्री सी कोमा सिक्स ए बी सी, फिफ्थ है आपके पास एम कोमा माइनस एम एन कोमा एम एन पी। क्लियर है, अब सॉल्यूशन देखिए इसमें, फर्स्ट आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स, क्या करोगे एक्स y इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर वन, x की पावर वन एक्स स्क्वेयर, y की पावर वन, y की पावर वन y स्क्वेयर, z की पावर वन, z की पावर वन z स्क्वेयर। सेकेंड देखिए a कोमा माइनस ए स्क्वेयर इंटू में ए क्यूब मल्टीप्लाई a इंटू माइनस ए स्क्वेयर इंटू में क्या है ए क्यूब, तो नेगेटिव साइन आएगा पहली बात, तो ए की पावर कितनी आएगी थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए टू कोमा फोर वाई कोमा एट वाई स्क्वेयर कोमा सिक्सटीन वाई क्यूब मल्टीप्लाई करो टू इंटू फोर वाई इंटू एट वाई स्क्वेयर इंटू सिक्सटीन वाई क्यूब कितना आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स को टू इंटू फोर इंटू एट इंटू सिक्सटीन, देन y into y square into y cube, 4 2 is 8, 8 8 is 64, into में 16, 6 4 is 24, 6 6 is 36, 38, 4 6, 8 plus 4 12, 6 plus 3 9 plus 1 10, कितना बना 1 0 2 4, y की पावर कितनी 3 plus 2 5 plus 1 6, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ए कोमा टू बी कोमा थ्री सी कोमा सिक्स ए बी सी मल्टीप्लाई करो ए इंटू टू बी इंटू थ्री सी इंटू सिक्स ए बी सी, क्या करोगे क्वेश्चन वन है इंटू में टू इंटू में थ्री इंटू में सिक्स, आगे क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन ए इंटू बी इंटू सी इंटू में ए बी सी, सिक्स थ्री जा एटीन एटीन टू जा थर्टी सिक्स, ए की पावर वन ए की पावर वन ए का स्क्वेयर, बी की पावर वन बी की पावर वन बी स्क्वेयर, सी की पावर वन प्लस वन टू, लास्ट वन क्या है आपके पास एम कोमा माइनस एम एन कोमा एम एन पी, क्या आएगा m इंटू माइनस एम एन इंटू में एम एन पी, एम की पावर वन, पहले तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव साइन, m की पावर वन m की पावर वन m की पावर वन, m की कितनी हो जाएंगी m की पावर थ्री, नेक्स्ट n की वन एन की वन एन स्क्वेयर इंटू में p,
क्लियर है हाउ टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स. क्लियर है. दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 9.2. दीज आर द 5 क्वेश्चंस. बस कुछ नहीं है आपको. अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड अप हो रही हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने हैं. एरिया का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. वॉल्यूम के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.